नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। वायरस को किसी जानवर से इंसान में जम करने के लिए और खुद को अधिक से अधिक फैलाने के लिए एक खास होस्ट की जरूरत होती है। किसी वायरस को फलने फूलने और फैलने के लिए जो खूबियां चाहिए होती हैं, उनमें से ज्यादातर चमगादड़ में पाई जाती हैं। यही वजह है कि चमगादड़ में कोरोना वायरस फलते फूलते रहते हैं और म्यूटेशन करते रहते हैं। किसी भी जानवर में कुछ ऐसी खासियत होती है जो उसे किसी वायरस का एक इंटरमीडिएट होस्ट बनने के लिए जरूरी होती है, जैसे कि चमगादड़, जिसमें कोरोना वायरस रहता है और लगातार अपने आप में बदलाव करते हुए खुद को अधिक घातक बना सकता है। वायरस ऐसे ही जीव को ढूंढता है जिसमें कुछ खासियत हो, जैसे कि उस जीव की उम्र ज्यादा होनी चाहिए, दूसरा वो जीव झुंड में रहे, तीसरा कि उस जीव का सोशल इंटरेक्शन हो। इसी के साथ वायरस की ग्रोथ के लिए जरूरी है कि उस जीव में उड़ने की क्षमता हो, ताकि एक बार में वो लंबी दूरी तय कर पाए और वायरस को दूर दूर तक फैलाने में सहायता मिले। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि जिस वायरस से पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है, वो वायरस चमगादड़ से आया, लेकिन चमगादड़ इस वायरस से क्यों नहीं मरता है, तो इसका जवाब हम आपको देंगे। दरअसल जब कोरोना वायरस किसी जीव में संक्रमण फैलाता है, तो उसके अंदर तेजी से इन्फ्लेमेशन होता है, लेकिन चमगादड़ में इन्फ्लेमेशन कमजोर होता है। इसकी वजह ये है कि चमगादड़ के इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस में डिफेक्ट होता है। चमगादड़ों में नेचुरल किलर सेल्स की एक्टिविटी काफी कम होती है। इस कारण चमगादड़ के अंदर इस वायरस के इन्फेक्शन को कैरी करने वाली सेल्स मरती नहीं है। चमगादड़ का मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होता है, इस कारण उनमें अधिक मात्रा में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनती हैं, जो कोरोना वायरस को तेजी से रिफ्लेक्ट करने से रोकती हैं, साथ ही इसका म्यूटेशन रेट बढ़ा देती हैं। क्योंकि चमगादड़ के अंदर स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पांस नहीं होता, इस कारण चमगादड़ के अंदर सीवियर लंग डैमेज के चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि उसके फेफड़ों और शरीर में उतनी सूजन नहीं आती है कि उसे कोरोना के कारण सांस लेने में तकलीफ हो। चमगादड़ के अंदर इंटरफेरॉन रिस्पांस बहुत मजबूत होता है, इस कारण कोरोना वायरस चमगादड़ के अंदर तेजी से अपने प्रतिरूप नहीं बना पाता। इंटरफेरॉन वे केमिकल्स होते हैं जो शरीर में किसी भी वायरस के रेप्लिकेशन को रोकते हैं। इसलिए इस बात पर हैरान होने की जरूरत नहीं है कि पिछले 20 साल में चमगादड़ से ही 3 तरह के कोरोना वायरस हमारी दुनिया में आए हैं, लेकिन उनसे चमगादड़ों को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।